मैं तेजवीर सिंह स्वास्थ्य शिकारा यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं एस एस नालंदा क्रिकेट एकेडमी में हम एस एस नालंदा क्रिकेट एकेडमी में तीन मैचों की तीन दिवसीय मैचों की जो इनकी श्रृंखला होने वाली है उसकी तैयारी का जायज़ा लेने एकेडमी में आए हैं जीसी के तहत हमने पहले इंटरव्यू लिया था पार्ट वन उसमें एस एस नालंदा क्रिकेट एकेडमी के कप्तान उप कप्तान और महत्वपूर्ण बल्लेबाज़ से हमारी उसमें बातें हुई थी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मेरे बाएँ हैं करुणा निधान जो बनारस के रहने वाले हैं उनसे भी बाएँ हैं प्रीत सहलोत मेरे दाहिने हाथ पे हैं मोइन अली तो मैं सबसे पहले करुणा निदान से जानना चाहूँगा कि उनकी इन तीन दिवसीय मैचों के लिए क्या विशेष तैयारियाँ हैं हमारी पूरी ही टीम बहुत मेहनत कर रही है इस सीरीज़ के लिए क्योंकि डेज मैच इंडिया में बहुत ही कम खेला जाता है और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें डेज मैच इतना खेलने को मिलता है तो हम बहुत ही उत्सुक रहते हैं डेज के लिए पूरी टीम अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रही है मैं भी पिछले मैच से बेहतर करने के लिए अपने सारी सारी सभी कमियों पर जीतने के लिए सभी कमियों को दूर करने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही और उससे भी ज़्यादा ध्यान क्षेत्र रक्षण पर हम दे रहे हैं और जितने भी हमारे टीम के खिलाड़ी हैं प्रीत सहलोत तो इनका भी परफॉर्मेंस पिछले मैच से बहुत ही बढ़िया है टी ट्वेंटी मैच में ये टी ट्वेंटी के हिसाब से खेल रहे हैं ओडीआई मतलब वनडे में ये वनडे के हिसाब से खेल रहे हैं डेज में भी डेज के लिए भी ये पैर चलाना जो भी मतलब बॉडी बॉल को बॉडी पर लेके खेलना है उसके लिए भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं ये स्वास्थिक हैं वो भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं सागर विशाल बॉलिंग सबकी मुइन विकेट कीपिंग ये सारे ही अपने अपने काम बहुत ही बेहतर कर रहे हैं सबकी परफॉर्मेंस सही हो रही है सब पूरा ध्यान दे रहे हैं अपने अपने काम में आप बनारस से यहाँ पे हॉस्टल में रहने आए हैं यहाँ पे हॉस्टल में रह के प्रैक्टिस करते हैं तो बनारस की आपको याद नहीं आती याद आती है वैसे हम अपने गेम में इतना ज़्यादा संलग्न रहते हैं इतना हमें फुर्सत नहीं मिलता किसी को याद करने का वैसे बनारस की बहुत याद आती है बनारस की याद आती है घर की याद आती है बनारस ऐसा जगह है जिसे भूला नहीं जा सकता इसलिए बनारस की याद आती है तो बनारस के लिए कुछ बनारस वासियों को कुछ जो है आप सुनाना चाहेंगे बनारस के लोगों को बस भोलेनाथ का एक महामृत्युंजय मंत्र ओम त्रै अम्बकम या महेश पुष्टीय वर्धनम उर्वरुक् वंधनाथ मृत्यु मोक्षी ये वो शहर है काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ का शहर भोलेनाथ का शहर ये वो शहर है जहाँ लोग मोक्ष पाने के लिए मरने के लिए इच्छुक रहते हैं वहाँ से हमने जीना स्टार्ट किया है तो इसकी याद न आना बहुत ही दुर्लभ है मैं प्रीत से जाना चाहूँगा प्रीत जी आपकी जो तैयारी हमने देखी हैं और जो भी चीज़ें आपके यहाँ चल रही हैं वो सारी मैंने नोट करी हैं कोच साहब से आपके बात हुई हैं आपकी जो परफॉर्मेंस सभी से मैंने सुनी है और आपके डिपेंड आपके ऊपर बहुत सारी डिपेंड है आपकी टीम तो आपको क्या लगता है आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए तैयार हैं हाँ हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी चीज़ की कि अपनी जिम्मेदारी हम पूरी करें अपना लंबा खेलें क्योंकि डेज मैच है तीन दिन का मैच है तो टिक्कर खेलें हवा में ना खेलें शॉट जो गंदी बॉल होगी उसे मारें अच्छी बॉल को लीव करें बाउंसर्स को लीव करें इन सब की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछला पैर चला के हम बॉल को खेलने का कोशिश कर रहे हैं कि पिछला पैर चलाएं जा बैटिंग में जिससे बॉल हवा में ना जाए बॉडी के पास खेलें और कैच ना जाए लंबा खेलें हम टेस्ट क्रिकेट है इसलिए आपको क्या लगता है कि आप इस सीरीज में दूसरी टीम को क्लीन स्वीप करेंगे या टक्कर बराबर की रहेगी आपको क्या लगता है कोशिश करेंगे कि हम क्लीन स्वीप करें तीन जीरो से श्रृंखला हम जीते कोशिश तो यही करेंगे हम आपका होम ग्राउंड है आपको आपकी पिच की जानकारी है आपके यहाँ पे दर्शक आपके अपने घरेलू दर्शक हैं और होम ग्राउंड का एक अलग ही बेनिफिट्स होते हैं आप क्या महसूस करते हैं कि आप उनके बेनिफिट्स उठा पाएंगे हाँ हमें पता है पिच कैसी चलती है ग्राउंड कैसा है और हमारे जो दर्शक हैं वो भी हमें काफ़ी सपोर्ट करेंगे जो देखने आएंगे मैच को तो काफ़ी एक्साइटेड है हम मैच के लिए आप अपनी टीम के अन्य सदस्य से किस किस से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है स्वास्थ्य है विशाल है हमारे कप्तान है और करुणा है कर, सागर है, मोइन है सभी से है कि सभी कुछ करेंगे जब भी टेस्ट क्रिकेट है तो सभी कुछ अच्छा करेंगे जब भी मैच जीतेंगे आप अपने दर्शकों को या किसी को कोई विशेष बात बताना चाहें कि हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मैच को देखें लाइव देखें घर पे जो आ सकते हैं वो ग्राउंड पे आकर के देखें हमें सपोर्ट करें मोइन हमारे साथ हैं मेरे दाइने हाथ पे बैठे हैं जो नालंदा के लिए विकेट कीपिंग करते हैं और उनकी भी काफ़ी तैयारियाँ हैं और मोइन जी आप क्या कहना चाहेंगे इन तैयारियों के बारे में बता दें कि हम ये डेज का मैच है इसके लिए हमने काफ़ी अच्छी तैयारियाँ की हैं और ये एक लंबा मैच होता है जैसे हमने उसकी तैयारी की है स्टेमिना के ऊपर काफ़ी वर्क किया है और भी जो हमारी कमियाँ थी उस पर काफ़ी अच्छे से काम करते आए हुए हैं इस मैच की बहुत दिनों से तैयारियाँ हो रही हैं और हमारे सारे बैट्समैन हो बॉलर हो सब ने अपनी अपनी जगह पे अच्छी तैयारियाँ की हुई हैं और मैं एक्स्ट्रा के रन मतलब तैयारी ये हुई है कि जो एक्स्ट्रा आज के रन होते हैं वो अपनी टीम के लिए बचाऊं और एक विकेट कीपर का अहम रोल होता है मतलब मेन वो अपनी टीम का आधा भार उस पर ही होता है उस बॉलर की कमियां देखना बैट्समैन अगर खेल रहा हो तो वो कैसे खेल रहा है उसकी कमियां बताना बॉलर को ताकि बॉल उसी हिसाब से डाले बैट्समैन को आउट करने में आसानी हो आपने जो है अक्सर मैचों में टीवी के मैचों में देखा होगा कि धोनी को भी देखा होगा और जो है संगाकारा को देखा होगा और बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे जो हैं खिलाड़ी जो है विदेशों में खेले हैं या भारत में भी खेले हैं सैयद किरमानी जी थे तो मैंने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो विकेट कीपर थे और अपनी टीम के कैप्टन भी थे तो जो आपने बात कही कि विकेट कीपर के ऊपर टीम की आधी जिम्मेदारी होती है वो मेरी नज़र में भी एक तरह से आधा कप्तान होता है और कैप्टन की बहुत ज़्यादा वो हेल्प कर सकता है तो आप इसे कैसे देखते हैं विकेट कीपर मतलब टीम के कैप्टन का बहुत ही हेल्प करता है वो जैसे बताता है कि हाँ इस बैट्समैन की ये कमियाँ है वो अपना टीम का कैप्टन वो बॉलर से कहता है कि हाँ ये ये ऐसा करो ऐसे फिर जैसे विकेट कीपिंग में सारी मतलब विकेट पी, के पीछे से हम उस बैट्समैन की कमियाँ देख सकते हैं कैसे खेल रहा है कैसे नहीं उससे हमें बहुत मदद मिलती है और भी पिच को मतलब भापना कैसे उछाल है कैसे क्या है सारी विकेट कीपर को अच्छे से मालूम होती है जो बॉलर को अपना हेल्प करता है ये फ्रेंडली सीरीज़ है और फ्रेंडली सीरीज़ में आप जो है क्या रिजल्ट देखते हैं तीन जीरो या दो एक या क्या आपको क्या लगता है कि आप क्लीन स्वीप कर पाएंगे कोशिश हमारी बहुत अच्छी रहेगी कि, कि क्लीन स्वीप भी करें तैयारी बहुत अच्छी चली आ रही है और हमारे होम ग्राउंड पे ही मैच होना है इससे बहुत ही हमें बेनिफिट मिलेगा हमारा कॉन्फिडेंस अप होगा हमारे मतलब होम ग्राउंड का सपोर्ट मिलेगा दर्शकों का सपोर्ट मिलेगा जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो और दूसरी टीम क्लीन स्विप कर सकें दूसरी टीम को हरा सकें प्रीत जी आप बैटिंग के साथ साथ अपनी टीम में और भी कोई अहम भूमिका निभाते हैं आ, मैं बोल बॉलिंग डालता हूँ वो ब्रेक राइट हम वो ब्रेक हूँ मैं, तो बॉलिंग भी काफ़ी डिपेंड होगी बॉलिंग फील्डिंग में अच्छा करने का प्रयास करूँगा कैचे पकड़ें स्लिप में फील्डिंग अच्छी करें स्ली पॉइंट पे शॉर्ट लैग सभी फील्डिंग अच्छी करें बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग सभी अच्छी करें सभी चीज़ का सभी पे तो, डिपेंड है वो बेहतरीन मेरी हार्दिक शुभकामनाएं एस एस नालंदा क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को